हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्जाम लाइंड अप है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023, इस एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो एज ऑफ 1 जुलाई 2023 जो मिनिमम एज होना चाहिए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इस पोस्ट के लिए वो 21 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2023 तक, एंड जो मैक्सिमम एज है वो होना चाहिए 40 ईयर्स। कुछ गाइस सर्टन कैटेगरीज के लिए एंड सर्टन सिचुएशंस के लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशंस भी दिए हैं, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ध्यान रखना 1 जुलाई 2023 तक आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए, एंड जो रिलैक्सेशंस है सर्टन कैटेगरीज के लिए वो इस तरीके से है। जनरल एंड EWS कैटेगरीज के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा वो उनके लिए हो जाएगा 45 ईयर्स। जो EBC OBC या फिर SC ST के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 45 ईयर्स इज दी मैक्सिमम एज लिमिट। OBC SC ST के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है, एंड जो विडोड एंड डिवोर्स्ड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई अपर बाउंड्री नहीं है, ठीक है, एज लिमिट के लिए। तो ये उन्होंने सर्टन स्पेशल कंडीशंस के लिए कुछ रिलैक्सेशंस किए हैं एंड कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशंस है। ध्यान रखना कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो देन अगर आपका आगे जाके जो भी प्रोसेस है इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, दे विल डेफिनेटली चेक कि क्या 1 जुलाई 2023 तक आपका मिनिमम एज क्या था। तो आपका मिनिमम एज गाइस 21 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 21 से अब ज़्यादा होने चाहिए 1 जुलाई 2023 के बाद, एंड मैक्सिमम एज 1 जुलाई 2023 तक आपका 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स आप एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एज रेस्ट्रिक्शन से इस एग्ज़ाम को लेके। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, थैंक यू एवरी वन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।